आईपीएल 2022 का 21वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस हारकर गुजरात टाइटंस की ओर से मैथ्यू वेड और सुमन गिल की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। आज गुजरात टाइटंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही, टीम ने महज 21 रन पर ही अपना पहला विकेट गंवा दिया, जहां पर सुमन गिल 7 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद साई सुदर्शन भी महज 11 रन ही बना सके। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान हार्दिक पांड्या ने कप्तानी पारी खेली और 42 गेंदों पर 1 छक्के और 4 चौके की मदद से अपना अर्धशतक जोड़ा। हालांकि इसी बीच मैथ्यू वेड भी 19 रन बनाकर उमरान मलिक का शिकार बने। वहीं डेविड मिलर भी इस मुकाबले में कुछ कमाल नहीं कर पाए। डेविड मिलर 12 रन बनाकर मार्को जेंसन का शिकार बने। निचले क्रम में हालांकि अभिनव मनोहर ने 21 गेंदों पर 1 छक्के और 5 चौके की मदद से 35 रन बनाए। कप्तान हार्दिक पांड्या और मनोहर के पारी के दम पर ही गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 162 रन बनाए। 163 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने शुरुआती कुछ ओवरों में संभल कर खेला, लेकिन इसके बाद अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन ने हाथ खोले। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी हुई। हालांकि इसके बाद अभिषेक शर्मा राशिद खान का शिकार बने और वो 32 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से 42 रन बनाकर आउट हुए। नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करने आए, जिन्होंने कप्तान केन विलियमसन का बखूबी साथ निभाया, लेकिन 17 रन बनाने के बाद राहुल त्रिपाठी भी रिटायर्ड हट हो गए। इसके बाद निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने आए। निकोलस पूरन और केन विलियमसन के बीच एक अच्छी साझेदारी देखने को मिली। इसी बीच केन विलियमसन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। टीम को दूसरा झटका केन विलियमसन के रूप में ही लगा, जो 46 गेंदों पर 4 छक्के और 2 चौके की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद पूरन और मार्करम के बीच की साझेदारी ने सनराइजर्स हैदराबाद को इस मुकाबले में 8 विकेट से जीत दिला दी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।